वेलकम टू स्टडी IQ हिस्ट्री लेसन्स। आज हम एंशिएंट इंडिया का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो पिछले कुछ सालों से एग्जामिनर्स का फेवरेट बना हुआ है, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की शुरुआत करी थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 563 BC में लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में आता है। जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी और इन्हें पाल पोस के बड़ा किया था इनकी स्टेप मदर या फिर दाई माँ ने, जिनका नाम था गौतमी। और इन्हीं के पीछे सिद्धार्थ को आगे गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया। 16 साल की उम्र में इनकी शादी करवा हो गई थी यशोधरा से, और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। 29 की एज पे इन्होंने अपना घर परिवार महल सब छोड़ दिया और ये सिर्फ अपने एक सारथी और एक घोड़े के साथ, जिनका नाम था चन्न और कंतक, इनको लेकर निकल पड़े। इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण या फिर द ग्रेट रिनन्सिएशन। ये 6 साल तक भटकते रहे सच की खोज में, इन द सर्च ऑफ ट्रुथ। 6 साल बाद इन्हें गया में निरंजना नदी के किनारे निर्वाण मिला, जिसे एनलाइटनमेंट कहा जाता है, और इस जगह को आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और मेडिटेशन कर रहे थे और वहाँ पे इन्हें निर्वाण मिला। ये पेड़ आज भी मौजूद है वहाँ पे और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। एनलाइटनमेंट या निर्वाण के बाद इन्होंने अपना पहला सरमन या प्रवचन सारनाथ में दिया था, और इस सरमन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार SSC में कि ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, धर्म चक्र मतलब पहिया और प्रवर्तन मतलब चलना और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। इसके बाद पूरी जिंदगी गौतम बुद्ध प्रवचन देते रहे, अलग अलग जगह घूमते रहे, और घूम घूम के इन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया और पूरे देश में फैलाया। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई और इनकी डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो देखिए इन्हें पहले ही मिल चुका था, अब इन्हें मिला महापरिनिर्वाण। ये कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के पास में है। ये टेबल जो है गौतम बुद्ध की जिंदगी लाइफ के बारे में है, और आप इसे अगर याद कर लेंगे या फिर इसे आप एक रिवीजन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन में। देखिए, 0 यहाँ पे आप एज और प्लेस, इवेंट, नेम और सिंबल्स हैं। सबसे पहले लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, तो इसको सिंबलाइज करने के लिए बुद्धिस्ट रिलीजन में या फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आपको लोटस और बुल के मोटिफ दिखाई देंगे। इसका क्या मतलब है? आपको जगह जगह बुद्धिस्ट, आप किसी भी स्तूप में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, आपको वहाँ पे कमल का फूल मिलेगा, बुल मिलेगा मतलब बैल, घोड़ा, बोधी ट्री, एक पीपल का पेड़, एक पहिया और स्तूप। इसकी सिंबल्स आपको जगह जगह पेंटिंग्स में, आर्किटेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ग्रेट डिपार्चर या फिर महाभिनिष्क्रमण जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से, घोड़े से। एनलाइटनमेंट और निर्वाण बोधी ट्री रिप्रेजेंट करता है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो देखिए चक्र मतलब व्हील, तो व्हील उसे रिप्रेजेंट करता है। और आखिरी में जो उनकी डेथ थी वो एक स्तूपा उसे रिप्रेजेंट करता है। आप आगे आपको मैं बताऊंगा कि स्तूपा क्या होता है। बुद्धिज्म की मेन फिलोसॉफी जो थी वो 2 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है उनमें से 4 नोबल ट्रूथ। अब ये 4 नोबल ट्रूथ जो हैं ये क्या हैं? इनमें पहला है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरी, मतलब जीवन दुखों से भरा है। डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ मिजरी, इच्छा ही हर दुख का कारण है। किलिंग डिज़ायर्स वुड किल सोरोज़, इच्छा मार देने से दुख मिट जाएगा। और डिज़ायर कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग द 8-फोल्ड पाथ, मतलब इच्छाओं को मारा जा सकता है 8 पंथी पाथ पे चल के। ये 8-फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म क्या है? इसके अंदर 8 चीज़ें हैं जिन ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन और राइट मेडिटेशन। इसके बाद हम आएंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स पे। देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्या थी? बुद्धिस्ट काउंसिल जो हैं, बुद्ध की डेथ के बाद उनकी नॉलेज को, उनके दिए गए प्रवचनों को कोडिफाई करने के लिए, एक जगह लिखने के लिए एक बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। इसे हम कहते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये बुद्ध की डेथ के तुरंत बाद बुलाई गई थी राजगृह में। राजगृह भी बिहार में आता है, पटना के पास।
इसे बुलाया था उस टाइम के जो राजा थे राजगृह के, उनका नाम था अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने फर्स्ट काउंसिल बुलाई और यहाँ पे दो मेन बुक्स लिखी गई बुद्धिज्म की, जिनका नाम है विनय पिटक और सुत्त पिटक। सेकेंड काउंसिल जो है वो बुलाई गई 383 BC में, बुद्ध की डेथ के 100 साल बाद। यहाँ पे राजा बुलाने वाला था काल अशोक, और यहाँ पे भी इनके जो फॉलोअर्स हैं इनमें एक स्थविरमदिन और महासंगिका में छोटा सा एक डिवीजन हुआ। तीसरी काउंसिल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो अशोक, जी हाँ, ये वो फेमस किंग अशोक ने बुलाई, और यहाँ पे मॉन्क जो कि स्कॉलर थे, जो प्रिजाइडिंग स्कॉलर थे, उनका नाम था टिस्सा। ये 250 BC में बुलाई गई, और यहाँ पे भी त्रिपिटक को कोड किया गया पाली लैंग्वेज में। त्रिपिटक अभी आपको बताया जाएगा अगली स्लाइड में कि क्या है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट काउंसिल है सन 72 AD में, जो कि बुलाई कनिष्क ने। कनिष्क वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट किंग्स थे, और ये बुलाई गई थी कश्मीर में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि के फॉर कश्मीर और के फॉर कनिष्क और के फॉर कुंडलवन। कुंडलवन वो जगह है जहाँ पे एग्जैक्टली ये काउंसिल बुलाई गई थी। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ। बुद्धिज़्म जो है दो हिस्सों में बट गया, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान के जो फॉलोअर्स थे इनमें कुछ आपस में मतभेद थे, इनमें आपस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनके कारण इनमें फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस थे, और इन्हीं फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस के कारण इन्होंने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन ये हैं अभी भी दोनों बुद्ध, बुद्धिज़्म की फॉलोइंग्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो मोस्टली पाली लैंग्वेज में है। देखिए उस ज़माने में लैंग्वेज चलती थी संस्कृत, लेकिन आम आदमी की भाषा थी पाली। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने सारे सरमन या सारे प्रवचन पाली भाषा में दिए, और जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक लिखी गई हैं ये सब पाली भाषा में लिखी गई। विनय पिटक क्या है, उसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं उनके रूल्स ऑफ डिसिप्लिन हैं, उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सुत्त पिटक में बुद्ध के जो सरमन्स हैं, बुद्ध ने जो प्रवचन दिए वो लिखे गए हैं, उनका कंपाइलेशन है। अभिधम्म पिटक में बुद्धिज़्म की फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेचर का पार्ट है, वो है जातक स्टोरी या जातक कथाएं। मेरे ख्याल से आप सबने इनके बारे में सुना होगा या बचपन में जातक कथाएं पढ़ी होंगी। ये बुद्ध के जन्म से रिलेटेड हैं। कई सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनका कंपाइलेशन है। लगभग 500 के आसपास जातक कथाएं बताई जाती हैं। फिर हम आते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे। देखिए बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से कई बार SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सबसे जैसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा आपको इस फोटो में जो दिखेगा वो है स्तूप या स्तूपा। ये आगे जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है एक स्तूपा है, ये उसका एंट्रेंस गेट है, जिसे तोरण भी कहा जाता है। स्तूप में बुद्ध के रेलिक्स रखे जाते हैं या फिर बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे बुद्ध का नाखून या फिर बुद्ध का कोई बाल, इस तरह की उनकी जो चीज़ें हैं शरीर की वो वहाँ पे संभाल के रखी जाती हैं, क्योंकि वो उनकी पूजा करी जाती है, वो रेवेयर्ड हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि कैसे बुद्धिज़्म में आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन हुआ। ये आपको स्तूपा पिछले फोटो में जो दिखाया था उस तरह का है। कुछ साल बाद लगभग 1st से 2nd सेंचुरी AD में स्तूपा ऐसा बनने लगा। बाद में ये एक 6 या 7 मंजिल की जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं पगोड़ा। ये पगोड़ा जो है ये इंडिया में नहीं, ये चाइना और जापान में आपको मिलेंगे। इस तरह का पगोड़ा चाइना में बनाया जाता था, और इस तरह जो आखिरी वाला फोटो है ये जापान में बनाया जाता था। ये भी एक तरह के स्तूप हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, बट इनका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन इंडिया से अलग था। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये अजंता की गुफा है, अजंता और एलोरा जो इंडिया की फेमस केव्स हैं। यहाँ पे ये विहार है। विहार क्या होता है? विहार इज़ नथिंग बट अ लिविंग डॉमेट्री फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, और उनकी प्रेयर का जो हॉल होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसे कहा जाता है चैत्य। चैत्य और विहार जनरली कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे एक साथ। तो ये भी अजंता में एक चैत्य है। आप देख सकते हैं इस हॉल में काफ़ी सारे पिलर्स हैं, और बीच में एक सर्कुलर सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अराउंड मॉन्क्स बैठ के प्रे करते थे या फिर मेडिटेट करते थे। आप में से कोई इस बिल्डिंग को पहचान सकता है? देखिए ये
एंशियंट इंडिया की दो फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला और नालंदा, उनमें से एक है, यह है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा वॉज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में। ये बिहार में थी, ये गुप्त टाइम पे फाउंड करी गई थी, गुप्त राजाओं ने इसे बनाया था 5th सेंचुरी AD में, और यहाँ पे लगभग 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ा करते थे बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफीज एंड रिलीजियस स्टडीज़। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इस यूनिवर्सिटी को रीस्टार्ट किया है, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से ही पास में इसका नया कैंपस बना है, जो कि पुराने कैंपस के, पुरानी बिल्डिंग के काफ़ी नज़दीक है। इसे 10 कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर, अलग अलग कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट करके साथ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरह फिर से शुरू किया है, जहाँ पे अब बुद्धिस्ट स्टडीज़ को पढ़ाया जाएगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, ये अशोकन आर्किटेक्चर है। अशोक, राजा अशोक जो थे वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ बनवाया बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। ये फर्स्ट फोटो जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये लायन कैपिटल है सारनाथ में, ये लायन पिलर है, लायन पिलर या अशोकन पिलर कहा जाता है, इसके ऊपर आप एक शेर देखेंगे, और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है लायन कैपिटल। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको शेर दिखेगा, एक आपको बुल दिखेगा, यहाँ पे आप एक चक्र देख सकते हैं, और ये आप एक इन्वर्टेड लोटस देख रहे हैं नीचे ही नीचे। देखिए इन सब की सिग्निफिकेंस क्या है, आपको मैंने बताया था कि लोटस, बुल, व्हील, ये सब कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं बुद्ध की लाइफ के बारे में, बुद्ध, गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिग्निफाई किया जा रहा है, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स को बनाया गया। बुद्धिज़्म जो है आज एक बहुत बड़ा रिलीजन है, काफ़ी देशों में स्प्रेड हो चुका है। ये मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया के कई कंट्रीज़ में आज बुद्धिज़्म फैला हुआ है, मंगोलिया, चाइना, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और नेपाल और श्रीलंका। बुद्धिज़्म के स्प्रेड होने का कारण ये था कि बुद्धिज़्म में कई बड़े बड़े किंग्स, कई राजा बुद्धिज़्म में को कन्वर्ट कर गए, और सेंट्रल, सबसे पहले हिंदुस्तान से सेंट्रल एशिया में बुद्धिज़्म फैला। इस एरिया में कनिष्क जो थे, जिनका नाम आपने देखा था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, उनका बहुत बड़ा हाथ था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में फ्रॉम इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू चाइना, और ये इस रास्ते से बुद्धिज़्म चाइना पहुंच गया, और धीरे धीरे चाइना से जापान, मंगोलिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल गया। तो ये था बुद्धिज़्म के बारे में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।